आज फिर से स्पेलिंग्स में आ गए। तो सबसे फर्स्ट है द वर्ड्स विच हैव आई ई, यानी लास्ट में उनके आई ई है एट द एंड, देन यू पुट आई एन जी, तो क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा। एक बार फिर सुनो, वो वर्ड जिसके एंड में आई ई है, ठीक है, और उसको आई एन जी लगानी है आपने। आई ई किसी वर्ड के एंड में है और सफिक्स आई एन जी लगाना है, तो वो आई ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाई में। तो ये आई ई किस में बन गया? वाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि आई ई जिस भी वर्ड के एंड में है ना, और उसको आई एन जी लगानी है, सफिक्स आई एन जी, तो वो आई ई कट के क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। जैसे कल वाई कट गया था ना, वाई कट के आई हो गया था ना, फर्स्ट में वाई कट के आई हुआ था ना, तो आज क्या होगा? आई ई कट के वाई हो जाएगा। जैसे डाई, देखो आई ई है ना एंड में और आई एन जी लग रहा है, तो इस आई ई का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो क्या बन गया? डाइंग। देखो कितना अच्छा है। टाई है, देखो आई ई से एंड है ना और आई एन जी लगेगी, टाइम। कभी भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगी। देखो एक बार फिर देख लो, देखो लाई है, लाई एल आई ई, आई ई है एंड में और आई एन जी है, तो एल क्या बन गया? वाई बन जाएगा, यानी आई ई का। तो फर्स्ट रूल क्या समझे आप, आई ई जिस वर्ड के एंड में होगा ना, वो आई ई खत्म हो और आई एन जी लगेगा उसको, मान लो आई एन जी लगाना है किसी वर्ड को, तो तुम समझ जाना वो आई ई कट के वाई में कन्वर्ट होगा और फिर आई एन जी लगेगी। जैसे टाई को आई एन जी टाइम, लाइंग वाई और लाइंग। दूसरा है, इन इंग्लिश यू विल फॉलो क्यू, यू है ना हमेशा क्यू को फॉलो करेगा, यानी क्यू के बाद यदि कुछ आएगा तो एक आएगा यू आएगा, बस ये याद रखना है, स्पेलिंग हो जाएगी फिर आपकी। फोर एरर होंगे ना, तीन तो क्यू के बाद कुछ और आ रहे होंगे, ए बी सी डी या कुछ भी, और एक में होगा यू, तो आपका आंसर क्यू के बाद एक ही वर्ड आता है यू। जैसे और क्या बन जाएगा फिर? क्यू यू है ना, क्यू यू कोई भी वर्ड है, जैसे क्यू यू इक्विप कतार, क्विज क्यू यू आई जेड, क्विन क्यू यू, ट्रान क्विल क्यू के बाद क्यू यू, और क्वेस्ट खोज क्यू यू ई एस टी, क्वेस्ट क्यू यू ई एस टी, क्यू यू। तो तुम क्या सीखे इस रूल में, क्यू के बाद एक ही वर्ड आता है वो क्या है? यू आता है, ध्यान रह जाएगा, बाकी स्पेलिंग लर्न कर लेना भाई। फिर सम वर्ड्स हैव डब्ल्यू टुगेदर, इंग्लिश में कुछ ही वर्ड्स हैं जो हाँ डब्ल्यू है। देखो डब्ल्यू बहुत जगह आ सकती है, लेकिन डब्ल्यू जो है वो दो तीन वर्ड्स ही हैं, टू थ्री वर्ड्स आर देयर जिसमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू। जैसे एक्सटेट में अब की बार आया हुआ था वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग आई हुई थी ना, तो कईयों ने क्या कर दी, वी ए डबल सी यू एम कर दी किसी, कईयों ने वी ए वैक्यूम, तो भाई कैप पे स्ट्रेस आ रहा है तो डबल सी, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट में ए डबल सी डबल सी, तो कईयों ने क्या कर दी, वी ए डबल सी यू एम, रॉन्ग हो गया। तो स्पेलिंग क्या है, वी ए सी डबल्यू एम, तो वैक्यूम डबल्यू, बहुत आता है, दो तीन बार आ चुका है एस्टेट, एस्टेट में वैक्यूम की स्पेलिंग, तो डब्ल्यू। फिर कंटिन्यूम, कंटी कंटिन्यूम तो डब्ल्यू, और रिसाइडम रिसाइडम तो रिसाइडम, ये कुछ ही वर्ड्स हैं जिनमें डब्ल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्यूम, ये याद कर लेना, वी ए सी डब्ल्यू एम, बहुत बार आता है। डब्ल्यू तो कोई करता ही नहीं, आपने ध्यान रखना है कुछ ही वर्ड है जिनमें डब्ल्यू आता है वो तुम कर लेना। नेक्स्ट है बी आर पी, बी आर पी मीन्स होता है ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी हम फॉलो करते हैं ना, जो हम बी आर पी को फॉलो करते हैं, बी आर पी मीन्स ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ना कि अमेरिकन इंग्लिश को। ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश इन प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज इन स्पेलिंग्स। ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसकी स्पेलिंग्स और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग अलग अलग होती है।
तो हमने कौन सी ठीक करनी है, पेपर में भी आ जाए तो हमें ब्रिटिश इंग्लिश की फॉलो करनी है। तो अभी आपको डिफरेंस बताते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कौन कौन सी है। तो वी फॉलो बीई, बीई मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो देखेंगे यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में है ब्रिटिश इंग्लिश, यानी यूके ब्रिटिश इंग्लिश ही है। और यूएस का मतलब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो स्पेलिंग चेक कर लेना आज ही तुम। देखो मीग M E A G R E कमी होती है ना ये, और यहाँ M E A G E R, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। दोनों आजाए पेपर में ऑप्शन है तो आपने इस पे टिक लगाना है, क्योंकि वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ये करेक्ट मानी जाएगी। कहीं आपको ये करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, लेकिन जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि हम तो इसको मानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, तो फिर आपने M E A G R E मानना है, M E A G R E, ना कि M E A G E R नहीं मानना आपने, क्योंकि वो US की है, अमेरिकन इंग्लिश है, वो हम फॉलो नहीं करते। फिर कलर C O L O U R मानना है आपने, ठीक C O L O R भी है, अमेरिकन C O L O R है, और C O L O U R ब्रिटिश है, तो हम इसको मानेंगे। फिर फेवर F A V O U R, F A V O U R, तो हम ये मानेंगे ब्रिटिश, एफ ए वी ओ आर नहीं, ऐसे ऐसे ही सी ओ एल ओ आर नहीं, ये अमेरिकन है, ठीक है, लेकिन हम इनको मानेंगे। फीटियस एफ ओ ई टी यू एस, एफ ओ ई टी यू एस, और यहाँ एफ ई टी यू एस फीमेल फिटिसाइड होता है ना, तो वहीं से है ये, तो ये मानेंगे हम ये। तो ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग अलग अलग है, हमें ब्रिटिश इंग्लिश माननी है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर जो जेसन होता है ना, तो जेड ए होता है, और इसमें होता है एस ए, तो तुमने ध्यान रखना है एस ए वाली तो है यूके वाली, और जेड ए वाली है अमेरिकन वाली, ठीक है। जैसे ओ आर जी ए एन आई, एस ए टी आई ओ एन है ऑर्गेनाइजेशन, देखो जे साउंड यहां से, और ऑर्गेनाइजेशन अब तुम कहते हो ऐसे वाली भी ठीक है भाई, जेडे वाली भी ठीक है, ठीक है दोनों ठीक है, लेकिन जब आपको स्पेलिंग करेक्ट कर दिखाने के लिए आए तो आपने एस ए वाली मान ली है, क्यों, क्योंकि बी ई फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी ऐसे हो गया, और ये जेड ए टी आई ओ एन, जितने भी जेड ए टी आई ओ एन या एस ए टी आई ओ एन हो गए ना, जेड ए वाले तो है अमेरिकन और एस ए वाले है ब्रिटिश, तो आपने ज्यादातर लिखने हैं एस ए टी आई ओ एन। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, तो एस ए ना कि जेड ए टी आई ओ एन, ठीक ये भी है लेकिन आपको ये मानना है। माइलेज एम आई एल ई ए जी ई, और ये एम आई एल ए जी ई, ये सीधा लिखता है, ये स्पेशल करता है, जैसे मीगर को भी कर दिया ना इसने एम ई ए जी आर ई, ठीक है। आगे चलेंगे इफ टू वर्ड्स एंड्स डबल एल, ये पहले भी किया था, यदि कोई दो वर्ड, कल तो एक ही किया था शायद, यदि कोई डबल वर्ड्स हैं और दोनों के एंड में डबल एल है तो एक दोनों में एक एक एल रह जाएगा। इफ टू वर्ड्स एंड्स विद डबल एल एंड कनेक्ट देम, और कनेक्ट करते हैं हमको तो देन क्या रह जाएगा, सिंगल एल रह जाएगा, यानी कि दो अलग अलग वर्ड है डबल एल से फिनिश है, उनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों में एक एक एल रह जाएगा। जैसे विल डबल एल है, फुल डबल एल है, तो एक एक रह जाएगा, तो कनेक्ट कर दो विल फुल, देखो नहीं तो आप एक जगह तो डबल एल जरूर लगाते, यदि ये रूल नहीं देखा होता तो, है ना, लास्ट में भी लगा सकते थे या यहां भी। तो आप क्या समझे, आप ये समझे यदि दोनों साइड डबल एल है तो आपने एक एक रख देना है। फिर फुल फिल, डबल एल तो फुल फिल, एक एल एक एल। इफ ऑल वेल टिल स्टिल, यदि ये वर्ड फोर फाइव ही है, ऑल वेल टिल स्टिल, देखो डबल एल है ना, और किस फॉर्म में यूज होंगे, प्रेफिक्स या सफिक्स, प्रेफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में, ये वर्ड यदि प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इनका एक एल रह जाएगा, ठीक है भाई। प्रेफिक्स चाहे पहले ऐड हो किसी वर्ड से या किसी वर्ड के बाद में ऐड हो, ये कितने, चार वर्ड, स्टिल टिल वेल ऑल, ऑल वेल टिल स्टिल, किसी वर्ड से पहले ऐड होंगे, किसी वर्ड के बाद में ऐड होंगे, प्रेफिक्स सफिक्स के रूप में होने चाहिए ये, तो एक एल रह जाएगा इनका। देखो कितना आसान रूल है, जैसे ऑल टुगेदर, तो ये टुगेदर वर्ड का प्रेफिक्स बना ना भाई, तो एक एल रह जाएगा,
तो क्या बन गया, ये कर रहा था ना ऑल टुगेदर, फिर ऑलमोस्ट ये कर रहा है ना, देखो मोस्ट शब्द को ऑल प्रीफिक्स लगा है, अन है इसको टिल लगा है, तो ये कर रहा है ना, आप कंफ्यूजन में होते हो भाई अनटिल में भी, जब टिल में दो है डबल एल है टी आई डबल एल, तो अनटिल में भी यू एन टी आई डबल एल होना चाहिए, लेकिन रूल क्या कहता है यदि बाद में लग रहे हैं या पहले लग रहे हैं तो ए कर रह जाएगा। दिस टिल देखो तो डी आई एस और टी आई ए कल रह गया। नेस इज एडेड टू अ वर्ड, नेस नेस क्या है सफिक्स है ना, एंड में जुड़ेगा लास्ट में जुड़ेगा। इफ नेस इज एडेड टू अ वर्ड, यदि नेस किसी वर्ड को एड होता है जुड़ता है एंड एंड्स इन एन, और यदि दूसरा वर्ड जो है ना वो भी एन में एंड होता है, देखो एक बार फिर सुन लो, नेस किसी वर्ड से ऐड होता है और जिससे ऐड हुआ ना उसका लास्ट वाला वर्ड भी एन है, तो फिर डबल एन हो जाएंगे, ठीक है एन कटेगा नहीं, तो बोथ एन रह जाएंगे फिर, बोथ एन, ठीक है। नेस किसी वर्ड से जुड़ता है और वो वर्ड एंड से एंड एंड है खत्म है तो दोनों एन रह जाएंगे, जैसे कीन नेस, तो क्या बना डबल एन हो गए ना, क्लीन नेस, वैसे ये क्लीननेस भी ठीक है लेकिन होता ही है ये होता है क्लीनलीनेस होता है, एल आई और जुड़ जाता है इसमें अपने आप, अंडरस्टूड होना चाहिए, ये क्लीननेस भी ठीक है लेकिन बेस्ट वर्ड है क्लीनलीनेस, तो लेकिन है तो एन ये रहा और ये रहा दोनों एन है ना, एन और मीन है नेस है। आप क्या समझे, नेस वर्ड यदि किसी वर्ड से जुड़ता है और उस वर्ड का एंडिंग एन है तो वो एन रह जाएगा यानी डबल एन हो जाएगा, तो ये मीननेस नहीं, तो तुम क्या करोगे मीन ऐसे कर सकते हो तुम मीननेस, लेकिन है क्या एम ई ए एन एन ई एन ई डबल एस, यानी एम ई एन एम ई ए और डबल एन ई डबल एस, मीननेस, ठीक है। थैंक्स।